did the last video on two concepts, currency appreciation and currency depreciation. एक और शॉर्ट में फिर से रिकॉल करा देता हूँ, आपको आसान से समझ में आ जाएगा. करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का फॉल करना. इससे परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी बेटा, रुपीज है, वो राइज कर जाती है. अब देखिएगा, जब हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ है, डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ है, तो ऑब्वियस है कि दूसरी करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा. एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, पहले डॉलर 160 रुपीज में आ रहा था, अब डॉलर 150 में आ रहा है. तो ये बेटा हमें क्या करना पड़ रहा है, हमारी परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज बढ़ गई है, हमारे 50 रुपीज में ही हमें डॉलर आ रहा है, यानी हम ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं. तो आप देखिए, इस समय इंडियन करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ है, तो फॉरेन करेंसी का यानी यूएस डॉलर का डेप्रिसिएशन होगा. ओके, दूसरी बात है करेंसी डेप्रिसिएशन का केस क्या होता है इंडिया के रेफरेंस में. तो जब एफईआर इंक्रीज हो जाएगी, यानी $1 = $1.70 हो जाता है, तो अब देखिएगा हमारी परचेजिंग पावर किसकी, रुपीज की फॉल कर गई है. हमें ज्यादा रुपीज पे करने पड़ रहे हैं एक डॉलर परचेज करने के लिए. सो अब हमारी परचेजिंग पावर गिर गई, तो हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है और यूएस करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ है. ओके, एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन. ये इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑन एक्स एंड एम, एक्स बोले तो एक्सपोर्ट एंड एम बोले तो इम्पोर्ट. हम एप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए कि हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ होगा. तो देखिएगा, जो एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट बिल्कुल उल्टा चलेगा. तो देखिएगा, अगर आप यहाँ से इस एग्जाम्पल को उठा के देखें, तो यू कैन सी पहले 60 रुपीज में हम एक डॉलर परचेज कर रहे थे, अब हम 50 में ही कर रहे हैं. यानी लेस रुपीज आर यूज टू बाय वन डॉलर, एक डॉलर खरीदने के लिए या एक डॉलर अरेंज करने के लिए हमें कम पेमेंट करना पड़ रहा है. तो देखिएगा, इससे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी सस्ता हो गया बेटा. और जब सस्ती हो जाती है चीज, तो उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, और डिमांड इंक्रीज करनी है इसका मतलब. और डिमांड कब करते थे हम, इम्पोर्ट करते टाइम करते थे. डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी का पहला पॉइंट बेटा बताया था, जब इम्पोर्ट करेंगे तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी राइज कर गई, इसका मतलब हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे. सेम वे दूसरी बात कि अगर यूएस पर्सन की तरफ से हम देखें, तो पहले वो 50 एक डॉलर के बदले 50 रुपए पे कर पा रहा था, या $1 का मतलब था जिसको हम कह सकते हैं 50 रुपीस, एंड अब $1 का मतलब है 60 रुपीस. तो इसका मतलब है एनी वी आइडियल इंडियन पर्सन वाज नीडिंग लेस रुपीस टू बाय $1, बट नाउ दे विल यूज मोर डॉलर और दे विल रिक्वायर मोर डॉलर टू बाय 1 रुपी. यानी उधर dx ऑफ रुपीस फॉल करेगी, और dx ऑफ रुपीस फॉल करने का मतलब होगा एक्सपोर्ट का फॉल होना. अब जब हम इसी चीज को डेप्रिसिएशन में पढ़ेंगे, तो सारा केस बेटा उल्टा हो जाएगा. तो आपकी बुक में भी दे रखा है, प्लीज फॉलो कीजिएगा. और कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं. ओके, एक टॉपिक हम यहाँ और देखना चाहेंगे, जिसमें हम एफईआर और सप्लाई के पॉजिटिव रिलेशन. हमने बताया था कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ऐसा क्यों होता है? तो यानी एफईआर और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन क्यों है, एंड एफईआर एंड डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन क्यों है. तो देखिएगा, एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एफईआर राइज हुई, इस समय सप्लाई ऑफ फॉरेन डॉलर तो बढ़ जाएगी, जबकि डिमांड ऑफ फॉरेन डॉलर, जबकि डिमांड ऑफ इंडियन रुपी गिर जाएगी. क्यों होगा? तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं $1 का मतलब है 60, एफईआर राइज होने पे हो गया $1 = 70. तो देखिएगा, $1 कन्वर्ट्स इनटू मोर रुपीस, इधर एक ही डॉलर था लेकिन पहले वो 60 रुपीस में कन्वर्ट हो रहा है, अब 70 में. यानी अगर एक डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाए, तो पहले 60 ही हो रहा था लेकिन अब 70 हो रहा है. यानी एक सिंगल अमाउंट रख के ही आप शो कर सकते हो कि मैंने तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया. सोचिए, आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, आप बिल गेट्स हो, आप कहोगे कि इंडिया में हम $1 का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं. आप कहेंगे $1 क्या बड़ी बात है, तो आप एफईआर पे काउंट करके बताओ. अगर 60 की टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इंडिया वाले कहेंगे बस 60 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया. वहीं अगर 70 के टाइम किया, यानी एफईआर राइज करने के बाद इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो वही $1 70 का इन्वेस्टमेंट दिखाएगा. यानी $1 कन्वर्ट्स इनटू
ये किसका है, ये केस जब चल रहा है तो इससे फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ है, और फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ होगा तो डोमेस्टिक करेंसी का अपने आप क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। और डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन करते समय इधर से देखिए, इधर देखिएगा, एप्रिसिएशन के टाइम पे हमने बोला था इंपोर्ट, एप्रिसिएशन के टाइम पे इंपोर्ट को राइज माना था और एक्सपोर्ट को फॉल माना था, तो डेप्रिसिएशन के टाइम पे मैंने बोला था इसका इनवर्स चलेगा, यानी इंपोर्ट फॉल हो गए और एक्सपोर्ट राइज कर जाएंगे। देख लीजिएगा एक्सपोर्ट राइजेस एंड सप्लाई राइजेस, बिल्कुल इसका होगा। अगर एक केस आपने ठीक से कर लिया तो दूसरा केस अपने आप संभल लोगे। तीसरा पॉइंट, why this, when we talk about this case there is more purchasing power of what, power FER rights ke iska matlab hai dollars ki purchasing power beta increase ho gayi, aur dollars ki purchasing power increase ho gayi that means direct purchase from the foreigners rises, direct purchase from the foreigners beta supply ka topic hota hai, supply of foreign exchange ka topic hota hai, direct purchase from foreigners increase hui hai yani supply of foreign exchange increase ho jayega, and finally by saying the topic आप कहोगे 60 रुपीस के टाइम पे आपने 1 डॉलर ट्रांसफर किया, सोचिए जब आपने ट्रांसफर किया 1 डॉलर का मतलब 60 था, घर वाले कहेंगे बस 60 रुपीस भेजे, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज कर गई 1 डॉलर इक्वल 70 हो गया, तो वही 1 डॉलर अब घर वालों को किसमें नजर आएगा, 70 रुपीस में आएगा, जबकि आपने तो 1 डॉलर ही किया था, आपने तो उतना ही अमाउंट किया, लेकिन घर वाले खुश हो जाएंगे कि पहले तो हमारे बेटे ने 60 रुपीस ही किए थे, अब 70 रुपीस मिल गए हमें, यानी वो खुश हो जाएंगे, यानी रेमिटेंसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो एफईआर और सप्लाई के पॉजिटिव रिलेशन को फॉलो करते हैं और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व को शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स जिसमें एफईआर और डिमांड इनवर्स रिलेट करते हैं और डिमांड पर डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो देखिएगा सीधी सी बात है कि इस समय जो केस चल रहा है उसमें परचेसिंग पावर ऑफ रुपीस फॉल करेगी। देखिएगा पहले 60 में 1 डॉलर आ रहा था, 70 में, इसका मतलब है परचेसिंग पावर ऑफ रुपीस फॉल कर गई, और परचेसिंग पावर ऑफ रुपीस फॉल कर गई इसका मतलब हम इंपोर्ट कम करेंगे, और इसका मतलब है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। दूसरा, अगेन फॉरेन ट्रिप बिकम्स एक्सपेंसिव, क्यों, क्योंकि परचेसिंग पावर ऑफ रुपीस कम हो गई है। सोचिए जस्ट एन एग्जांपल, आपको कहा गया कि आपका जो पैकेज है $1, मान लीजिए $10 का आपका पैकेज है, 60 के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके 600 रुपए खर्च होते हैं, अब वही $10 का पैकेज 700 में होता है, यानी आपके लिए फॉरेन ट्रिप पेमेंट तो $10 नहीं किया, लेकिन आपको अपनी जेब से कितना पे करना पड़ा, पहले 600 पे कर रहे थे जबकि आप 700 कर रहे हो, चीज महंगी होगी, फॉरेन ट्रिप महंगा हो गया, इससे आप उसकी डिमांड कम करोगे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन आरओडब्ल्यू, इन्वेस्टमेंट इन आरओडब्ल्यू बिकम्स एक्सपेंसिव, अगेन सीधी सी बात है, सोचिए रिलायंस अमेरिका में कहता है कि मैं $500 का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं किसी ट्रांजेक्शन पे, तो अगर हम $1 को 60 मान के चल रहे हैं तो आता है 30,000 रुपीस इंडिया से जाएंगे, जबकि 70 पे काउंट होते हैं तो 35, यानी यूएस में तो इन्वेस्टमेंट $500 का ही हुआ, लेकिन मिस्टर अंबानी की जेब से 30 की जगह आप क्या लग रहे हैं, 35, महंगा सौदा लग रहा है, और इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को टालेंगे, डिमांड कम करेंगे। एंड फाइनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डॉलर इंक्रीजेस, दैट मींस वी हैव टू पे मोर रुपीस टू बाय यूएस डॉलर्स। सो हियर कम्स बेटा, यहां पर आके लगभग आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट खत्म होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक या ये चैप्टर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब जरूर करेगा, लेकिन उसकी रेमेडी यही है कि एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार खरीद और वीडियोस की तरफ जाएं, और इसके लिए इस चैप्टर की वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज वीडियोस को वॉच कीजिए, थ्योरीज को फॉलो कीजिए प्रॉपरली, एक नहीं दो बार कीजिए, और फिर भी नहीं आता है तो यू कैन टॉक टू मी फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट और क्वेरी, आई एम ऑलवेज देयर टू